छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत। बीजेपी नेताओं ने गुलदस्ता भेंट कर किया वेलकम। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली। अमित शाह बोले, सीएम भूपेश बघेल 5 साल के हिसाब से। बीजेपी नेता रमन सिंह बोले, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से लड़ना है, प्रत्याशी मायने नहीं रखते। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पहले फेज के लिए बहुत कम वक्त, तैयारियों पर कांग्रेस का पूरा फोकस। कांग्रेस की पहली सूची पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में बेटिंग ऐप महादेव पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, सीएम बघेल ने ऐप को बंद क्यों नहीं किया, कांग्रेस के पास दुबई से आते हैं पैसे। कांग्रेस की लिस्ट पर कमलनाथ की एक्सपोस्ट, लिखा ये प्रत्याशियों की नहीं, एमपी के भविष्य निर्माताओं की सूची। कांग्रेस की लिस्ट पर एमपी बीजेपी के तंज, लिखा जिन पर आपराधिक केस वही नेता कांग्रेस के पास। कांग्रेस छोड़ने की खबर पर बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा बहुत फर्जी काम करती है, अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। अपने इस्तीफे वाले लेटर पर बोले दिग्विजय सिंह, लेटर फर्जी, बीजेपी राहुल गांधी और मुझे बनाती रहती है निशाना। राजस्थान के उदयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। उदयपुर में बीजेपी चीफ नड्डा का शानदार स्वागत। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने किया वेलकम। जयपुर में बोले गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास, बीजेपी नेता कांग्रेस से नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर बोले राज्यवर्धन राठौड़, हम मैदान में खड़े हैं, प्रतिद्वंदी उतरने से घबरा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का दावा, जाट समुदाय कांग्रेस और बीजेपी से नाराज है, इस बार हमारी पार्टी को देंगे वोट। सांसद बाबा बालकनाथ बुलडोजर से पहुंचे भिवाड़ी, खुद किया ड्राइव, बोले राजस्थान में बनाएंगे सरकार। राजस्थान के फतेहपुर में दंडवत चलकर मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी, कहा ये मेरी पारिवारिक धार्मिक यात्रा। तेलंगाना विधानसभा चुनावों को लेकर बीआरएस ने जारी किया मैनिफेस्टो, 400 में सिलेंडर, 5 लाख बीमा का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी जल्द जारी करेगी मैनिफेस्टो, बीआरएस कर रही है झूठे वादे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। 17 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम का होगा मंथन। बीआरएस का कांग्रेस पर पलटवार, के कविता बोली कांग्रेस की गारंटी टिश्यू पेपर से भी बदतर, कांग्रेस ने बीआरएस के मैनिफेस्टो को किया है रेफर। 18, 19 और 20 अक्टूबर को तेलंगाना में रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मिजोरम में राहुल गांधी की पदयात्रा, चानमारी से राजभवन तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करेंगे। मिजोरम में राहुल गांधी ने उठाया मणिपुर का मुद्दा, कहा मणिपुर अब एक नहीं दो राज्य, पीएम को वहां जाना जरूरी नहीं लगता।